दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक अनुसूचित जाति के छात्र के साथ पुलिस की ज्यादती का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्र प्रमोद कुमार का आरोप है कि पुलिस ने उसके लिए जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और उसे खूब पीटा। मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों के प्रदर्शन के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट के तहत मामला तो दर्ज कर लिया है, लेकिन छात्रों का आरोप है कि इसमें आरोपी कांस्टेबल दुष्यंत कुमार और SHO MP सैनी के नाम दर्ज नहीं है। दरअसल ये मामला 25 अगस्त का है, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में पढ़ने वाले एक छात्र के भतीजे को दिल्ली पुलिस ने किसी मामले में गिरफ्तार किया था। दरअसल ये मामला 25 अगस्त का है जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ फैकल्टी में पढ़ने वाले एक छात्र के भतीजे को दिल्ली पुलिस ने किसी मामले में गिरफ्तार किया था। छात्र का कहना है कि इस बात की जानकारी लेने जब वे आदर्श नगर थाने पहुंचे तो पुलिस ने उसे पीटा। पुलिस ने उसे हथकड़ियों और जंजीरों से बांध कर पीटा और इतने में भी जब पुलिस को संतुष्टि नहीं मिली तो उसे नंगा कर उसके गुप्तांगों पर डंडे से मारा गया। पीड़ित छात्र पूरे मामले को बताते हुए कहते हैं, 25 अगस्त को मेरे भतीजे ने थाने से फ़ोन किया कि उसे थाने में बंद कर दिया गया है। इसके बाद प्रमोद थाने पहुंचे और अपने भतीजे अरुण के बारे में जानकारी मांगी। पुलिस वाले ने बताया कि इस नाम का कोई व्यक्ति यहां नहीं है। इसके कुछ ही देर बाद पुलिस की एक गाड़ी आती है जिसमें 5 लोग सवार थे। इसमें 3 लोगों को हथकड़ी और जंजीरों से बांधा गया। मेरा भतीजा भी इनमें से एक था, जिसके बाद मैंने पुलिस से पूछा कि आपने मेरे भतीजे को किस जुर्म में गिरफ्तार किया है। मैं इसका चाचा हूं और लॉ का छात्र भी हूं। इतना सुनते ही पुलिस वाले गुस्सा हो गए और मुझे पीटने लगे। पीड़ित छात्र ने कहा, SHO ने मुझे धमकी दी, अगर तुमने किसी को भी बताया कि तुम्हारे साथ मारपीट की गई है तो तुम्हें आर्म्स एक्ट के तहत अंदर करवा दूंगा और फिर एनकाउंटर करवा दूंगा। मुझसे लिखवाया गया कि मैं पूछताछ के लिए थाने आया था और मेरे साथ कोई मारपीट नहीं की गई और मैं अब ठीक अवस्था में घर वापस जा रहा हूँ। इस घटना के सामने आने के बाद से यूनिवर्सिटी के छात्र लगातार आदर्श नगर थाने को घेर कर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि प्रमोद को पीटने वाले पुलिस कर्मियों में कांस्टेबल दुष्यंत को छोड़कर सभी सिविल ड्रेस में थे। छात्रों ने कहा कि पीड़ित छात्र जब मदद के लिए SHO के पास गया तो उसे और मार पड़ी। SHO ने पुलिस कर्मियों से कहा कि इसे आर्म्स एक्ट, चैन स्नैचिंग और अन्य पुराने मामलों में फंसाकर अंदर कर दो। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।